नमस्कार, जंग फरियाद न्यूज ऑफ गांधीनगर में आपनु स्वागत है। ज्योतिषाचार्य सतानंद नर्मदा शंकर व्यासना जय श्री कृष्ण। आज आप शनिनी पनौती विषय विचारीशू। आपणी पोतानी राशि थी शनि चौथो ने आठमो होने नानी पनौती गणवामां आवे छे। अने नानी पनौती अढ़ी अढ़ी वर्ष चालशे। हवे आपणी राशिथी बारमो शनि होय आपणी पोतानी राशिमां आवे अने आपणा पछीनी राशिमां आवे एने साढ़ा साती पनौती कहेवाशे। हवे माणसने साढ़ा साती पनौती घणी ज मुश्किली आपे छे। शनि जयरे फर्स्ट फेस में हे त्यारे साढ़ा साती पनौती माथेथी बैठी कहेवाय। पहला अढ़ी वर्ष में आर्थिक नुकसान करावशे, शरीर में रोग वधे, शत्रुओ वधे अने आपणू नसीब फूटी गयु होय, इम्पोर्टंट तक हाथमांथी गई होय एवो अहेसास थशे। सेकंड फेजमां ज्यारे शनि छातीए हशे त्यारे दाम्पत्य सुख घटे, भाई भांडू भागीदार साथे झगड़ा थाय अने पिता साथे पण झगड़ो थई शके छे। पिता कदाच कायमी धोरणे तमाथी दूर पण थई जाय अने काम धंधो पण बगड़शे। त्रीजा फेज तो शनि आर्थिक रीते घणो सारो छे, घणो बधो आर्थिक लाभ करावशे, पण क्वचित बीजो शनि ए माणसनो देहांत करावी शके छे। नवू मकान लेवाना योगो थाय, विदेश यात्रा योगो थाय। आवी रीते साढ़ा साती पनौतीमां त्रण फेजमां त्रण भागमां फळ मळशे। हवे ज्यारे चौथो शनि होय तो ए अढ़ी वर्षनी नानी पनौतीमां काम धंधो बगड़े, शरीरमां रोग प्रवेशे अने आरोग्य नबळू बने, पण ए समयमां मोटू मकान लेवाना योगो बनी शके। ज्यारे आठमा शनि थकी जे पनौती थई होय ए काम धंधो बगाड़े, मोटा आर्थिक नुकसान करावे, संतानની ચિંતા કરાવે, સંતાનનું પરિણામ કાં તો બગાડે, કાં તો સંતાન લગ્ન કરીને દૂર થાય, કાં તો સંતાન અભ્યાસ કરવા માટે વિદેશ જઈ શકે। આવી રીતે શનિની પનોરી જુદા જુદા સ્થળે જુદા જુદા ભુવનમાં આ પ્રમાણે ફળ આપશે। અસ્તુ શ્રી।